तो दोस्तों यूनियन बजट 2022-23 में गवर्नमेंट ने रोड और हाईवे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसके ऊपर 1,99,107 करोड़ रुपए से ज्यादा एलोकेट किए थे, जिसके बाद हमारे देश में हाईवे, एक्सप्रेसवे, रोड्स और ब्रिजेस ये काफी तेजी के साथ कंस्ट्रक्ट होना शुरू भी हो गए थे। और आप भी ये देख ही रहे होंगे कि जो हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पहले के मुकाबले काफी ज्यादा इम्प्रूव हो चुका है। बट यार हमारे सामने काफी ज्यादा शॉकिंग न्यूज सामने आई है। दरअसल जो हमारी पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी है उसने हाईवे से रिलेटेड एक काफी बड़ी पोल खोल दी है कि जो हमारे हाईवे हैं उन्हें काफी अच्छी क्वालिटी से बनाया जा रहा है, सब कुछ एकदम ठीक है, लेकिन जो उसकी मेंटेनेंस है उसका हाल काफी ज्यादा बेहाल है। अब जो एक कमेटी है इसने इतने सारे प्रॉब्लम्स को निकाला है हाईवे के अंदर से ढूंढ ढूंढ के कि वो काफी ज्यादा शॉक करने वाले हैं। जैसा कि पहले तो हमारा हो गया हाईवे के ऊपर स्ट्रीट लाइट्स, जो कि आपने भी नोटिस किया होगा कि जो नेशनल हाईवेज होते हैं उनके ऊपर या तो ज्यादातर स्ट्रीट लाइट खराब ही होते हैं या तो कभी कभी वो होते ही नहीं है। अब जो हमारी सेकंड प्रॉब्लम है वो है स्ट्रे एनिमल्स की, जो कि हाईवे पर आ जाते हैं और फिर खुलेआम घूमते रहते हैं, जिसके बाद आपको पता ही होगा कि कितने सारे एक्सीडेंट होते रहते हैं इन्हीं की वजह से। इन्हीं प्रॉब्लम के ऊपर पॉइंट आउट करते हुए कमेटी ने गवर्नमेंट को कहा कि पहले आप इन हाईवे और एक्सप्रेसवे की जो मेंटेनेंस है उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए, ना कि नए जो हाईवे और एक्सप्रेसवे हैं उनको कंस्ट्रक्ट करते जाइए, क्योंकि लैक ऑफ मेंटेनेंस की वजह से हम अपने नेशनल बजट का फालतू में बर्बादी ही कर रहे हैं। अब जो इस लैक ऑफ मेंटेनेंस की मेन प्रॉब्लम है वो तो पहला है पैसा, क्योंकि जो मेंटेनेंस के लिए पैसा एलोकेटेड किया गया है वो काफी ज्यादा कम है, और जितना भी एलोकेट किया भी गया है सरकार द्वारा उसका भी बस 40% ही यूज किया जा रहा है। अब जो दूसरा मेन रीजन है वो है कंस्ट्रक्शन का, मतलब हमारे यहाँ जो लोग हैं वो बस कंस्ट्रक्शन पर ही ज्यादा फोकस करते हैं। जैसे कि आज हमने 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 50 किलोमीटर रोड एक दिन में बना दी और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। अब ये वैसे है तो वैसे अच्छी बात, बट जिस स्पीड से कंस्ट्रक्शन हो रहा है हमारे देश में अगर उसी स्पीड से उनकी अगर मेंटेनेंस भी होने लग जाए तो वो काफी ज्यादा ही अच्छी बात होगी हमारे हाईवे और एक्सप्रेसवे के लिए। अब जो हमारी कमेटी है उसने गवर्नमेंट को काफी सारे सुझाव भी दिए इससे रिलेटेड, जैसे कि जो हमारा मेंटेनेंस मॉनिटरिंग सिस्टम है उसे और ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है, और जो हमारे यहाँ मेंटेनेंस टीम है वो टाइम टू टाइम अगर हाईवेज और एक्सप्रेसवे को चेकआउट करती रहे तो उससे एक्सीडेंट होने का भी खतरा काफी ज्यादा कम हो जाता है। बाकी अगर तुम सुझाव देना चाहो गवर्नमेंट को इससे रिलेटेड तो तुम्हारा सुझाव क्या होगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। बाकी तो अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करते हो जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।